नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज़। मैं हूँ गौरी वर्मा। आइए नजर डालते हैं अगले कुछ पलों में सहारनपुर की हर खास खबर पर। मोदी सरकार की वापसी को लेकर सभी तरफ उत्साह अभी भी नजर आ रहा है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सुनील पवार और उनकी टीम ने शहर के दिल्ली रोड स्थित हसनपुर चुंगी पर शीतल पेयजल का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ शीतल पेयजल वितरित करके गर्मी के मौसम में आम लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की गई। इसे लेकर सभी में एक अलग उत्साह और खुशी नजर आई। सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने की बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि आने वाले दौर में मोदी सरकार एक बार फिर मिसाल कायम करेगी। इस दौरान विजया चौधरी, महामंत्री मनोज सेन, पार्षद ललित कटारिया, पूर्व महानगर अध्यक्ष हेमंत अरोड़ा, मंडल अध्यक्ष रविंद्र शर्मा, पार्षद संजय गर्ग, पार्षद अरुण और महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा वर्षा चोपड़ा सहित बड़ी संख्या में भाजपाई मौजूद रहे। अरे पुणे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे प्रधानमंत्री की शपथ लेने पर आज पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा शीतल जल का आयोजन किया जा रहा है। इससे आने जाने वाले लोगों की प्यास बुझाई जा रही है। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी महानगर पिछड़ा मोर्चा के द्वारा ये शीतल जल का वितरण, मीठे शीतल शरबत का वितरण का आयोजन किया गया। इसमें चूँकि गर्मी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इस नाते आते जाते लोगों को, आते जाते मुसाफिरों को मीठा जल पिलाकर खुशी में और दौरा फल ले रहे हैं कि खुशी भी मना रहे हैं और लोगों की प्यास भी बुझा रहे हैं। व्यापारियों को पेंशन दिए जाने की घोषणा को लेकर नगर के कारोबारियों में भी हर्ष व्याप्त है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के व्यापारियों ने जिला अध्यक्ष सुभाष सिंगल और महानगर अध्यक्ष रोहित गई के नेतृत्व में श्रीराम चौक का रुख किया और यहां मिष्ठान बांटकर खुशी जताई। इस दौरान जिला अध्यक्ष सुभाष सिंगल और महानगर अध्यक्ष रोहित गई ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापारियों की 25 वर्ष पुरानी ये मांग पूरी कही है। इसे लेकर सभी व्यापारी वर्ग उनका आभार व्यक्त कर रहा है। प्रांतीय उपाध्यक्ष जसवंत बत्रा, संयुक्त महामंत्री सुधार होगा, बल्कि उनमें नए उत्साह के साथ अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की आस भी जगेगी। इस दौरान आशु निरंकारी, सोनू त्यागी, सुनील शर्मा, विपिन बजाज, आशु गांधी और हरजिंदर सिंह सहित सैकड़ों व्यापारी मौजूद रहे। लोग उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने व्यापार मंडल की लगभग जो 25 साल पुरानी मांग थी व्यापारियों को पेंशन देने की, उसे कैबिनेट ने पहली मीटिंग में पूरा करने का काम किया है। इसके लिए हम उन्हें बधाई भी देते हैं और आभार भी व्यक्त करते हैं। इसीलिए आज हम लोगों ने यहाँ पर मिष्ठान किया है अपने प्रांतीय उपाध्यक्ष जसवंत सिंह दत्ता जी और जिला अध्यक्ष सुभाष सिंह जी के नेतृत्व में। पॉलीथीन की जांच के लिए नगर पंचायत की ओर से चलाए जा रहे अभियान को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। व्यापारियों ने इसे लेकर रोष जताते हुए आरोप लगाया है कि अवैध वसूली के लिए पूरे काम को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं व्यापारियों की बात को नकारते हुए नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी रामचंद मौर्य ने कहा है कि घरों में घुसकर चेकिंग करने का आरोप पूरी तरह निराधार है। उन्होंने बताया है कि दुकान पर चेकिंग करके पॉलीथीन जब्त की जा रही है, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी नगर पंचायत की ओर से बाकायदा कराई जा रही है। जबकि व्यापारियों की ओर से व्यापार मंडल के अध्यक्ष कुलदीप गोयल ने साफ तौर पर कहा है कि इस प्रक्रिया के जरिए व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने प्रेस वार्ता के जरिए भी पूरे मामले पर रोष जताते हुए नगर पंचायत से मामले की जल्द से जल्द रोकथाम किए जाने और पूरी निष्पक्षता के साथ अभियान चलाए जाने की मांग की है। इसका मुख्य कारण प्रेस वार्ता का ये रहा कि जो कल नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी द्वारा या अधिकारीगणों द्वारा बाजार में आकर छापेमारी की गई, इसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को उन्होंने विश्वास में नहीं लिया। उनको साथ में लेकर अगर चलते तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं थी। व्यापार मंडल का औचित्य क्या रह जाएगा? व्यापार मंडल बना किस लिए है? व्यापारियों की समस्या को उठाने के लिए, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। क्या आप प्रतिबंधित पॉलिथीन की इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन जो कार्रवाई इन्होंने नगर पंचायत वालों ने की है वो गलत है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को साथ में लेना चाहिए था। अगर वो उनको साथ में लेकर कार्रवाई करते तो और बात होती। बिना व्यापार मंडल के व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है तो उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं खुद व्यापार मंडल का उपाध्यक्ष हूँ। पूरी तरह से निराधार है। जिस व्यापारी के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई की गई थी, उसकी एक दुकान थी, व्यापारी स्वयं मौजूद था, उसके भाई मौजूद थे और उसकी उपस्थिति में दुकान से पॉलिथीन बरामद की गई। उसका घर नहीं था। मौके पर मीडिया कर्मियों को सबको बुलाया गया, उसकी वीडियोग्राफी कराई गई और यहाँ तक कि जो आरोप व्यापार मंडल के अध्यक्ष गोयल जी लगा रहे हैं, उन्होंने खुद मुझसे टेलीफोनिक बात की।
और मैंने उनको बुलाया है लेकिन मौके पर वो नहीं आए और बार बार ये कहते रहे कि इसको छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए। और इस तरह का आरोप कि घरों में घुस करके कार्रवाई की गई। हाँ, ये सब बिल्कुल ये निराधार है, आप इसका खंडन करते हैं? बिल्कुल खंडन करते हैं। पहले पॉलिथीन के लिए एक सूचना दे करके एक सामान्य अभियान चलाया गया था। इन लोगों ने एक दूसरे को टेलीफोन कर करके सारी पॉलिथीन हटा दी, अपने घरों में छुपा लिया। पहला अभियान हमारा पूरी तरह से विफल रहा, सिर्फ 1 किलो पॉलिथीन प्राप्त हो पाया। इनको बार बार निर्देश दिया जाता रहा है, समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना दी जाती रही है कि शासन द्वारा पॉलिथीन प्रतिबंध करने का निर्देश दिया गया है, नगर पालिका में पॉलिथीन पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसका उपयोग ना करें। बार बार सूचना देने के बाद भी ये लोग जो है प्रयोग को जो है न तो प्रतिबंधित करा पा रहे कर रहे हैं, न तो बिक्री को प्रतिबंधित कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सहारनपुर सीट से गठबंधन प्रत्याशी की जीत को लेकर समाजवादी पार्टी के खेमे में खासा उत्साह नजर आ रहा है। यही झलक पेश करते हुए इस बार नगर विधायक संजय गर्ग की अगुवाई में आयोजित बैठक के दौरान शाहनवाज खान उर्फ चांद को महानगर कमेटी में उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस दौरान सभी सफाइयों में पूरी जीत के साथ ही पार्टी की प्रगति को लेकर खासा जोश और उत्साह नजर आया। इस दौरान नगर विधायक संजय गर्ग, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज खान, महानगर अध्यक्ष मोहम्मद आजम शाह, महासचिव गुलशन कपूर, कोषाध्यक्ष मुस्तकीम राणा और विधानसभा अध्यक्ष परीक्षित वर्मा ने शाहनवाज खान उर्फ चांद को महानगर कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष मनोनीत करने का पत्र सौंपा। नगर विधायक संजय गर्ग ने उम्मीद जताई कि शाहनवाज पहले की तरह आगे भी पार्टी को आगे बढ़ाने में पूरी निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। वहीं सभा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज खान ने भी इन्हें लेकर विश्वास जताते हुए कहा कि आम जनता की पूरी जिम्मेदारी संभालते हुए शाहनवाज खान पार्टी को प्रगतिशील बनाने में कोई कमी नहीं रख छोड़ेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी नेता मौजूद रहे, जिनमें अब्दुल गफूर, अभिषेक टिंकू अरोड़ा, उपाध्यक्ष शेखर राणा, उपाध्यक्ष रतन यादव, पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हरपाल वर्मा, शाजेब खान, फरहान खान, राजीव अग्रवाल, सलीम फारूकी, मुजाहिद रसूल और नफीस खान आदि मौजूद रहे। महानगर की शहर इकाई का अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। पिछले गठबंधन के चुनाव में इनकी मेहनत और समाज के प्रति इनके लगाव और समर्पण को देखते हुए निश्चित रूप से इनके टीम पे आने पर समाजवादी पार्टी और शहर में हम और इसी तरह से कार्यकर्ताओं को जोड़कर निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का सपना है और माननीय राम मनोहर लोहिया जी का जो समाजवादी सपना है उन उद्देश्यों को पूरा करने का। गर्मी के मौसम में जल संरक्षण की अहमियत समझाने के लिए विभिन्न संस्थाओं की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले के तहत जागरूक सहायता संस्था की ओर से शहर के हकीकत नगर चौक पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जागरूक सहायता संस्था के संस्थापक गौरव सुखीजा के नेतृत्व में पूरी टीम ने आम जनमानस को जल की अहमियत से अवगत कराया और कहा कि भीषण गर्मी के मौसम में जल बचाने के लिए और पानी का सदुपयोग करने के लिए सभी को हर पल सचेत रहना चाहिए। उन्होंने इस बाबत विभिन्न उपायों का उल्लेख करते हुए कहा कि हाल में जिस प्रकार सहारनपुर के कमिश्नर और जिलाधिकारी सहित पूरे जिला प्रशासन ने आम आदमी को जागरूक करने के लिए पांव धोई का संरक्षण अभियान चलाया है, उससे भी सहारनपुर को एक अलग पहचान मिलने की उम्मीद बन गई है। इस दौरान जिलाध्यक्ष राजू सुखीजा, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिंपल वर्मा, वैभव अरोड़ा, श्रवण विकास, मोहित गुप्ता, वीरेंद्र बाहल और अन्य स्थान में आम पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। जल बचाओ, जल बचाओ, जल बचाओ, जल है तो कल है, जल है तो कल है, जल है तो कल है। आज हमारी जागरूक सहायता संस्था द्वारा हकीकत नगर क्षेत्र में लोगों को जल बचाने के लिए जागरूक किया, क्योंकि इस भीषण गर्मी में जल का महत्व बहुत है और जल है तो कल है। हमें सबको यही प्रयास करना चाहिए, जल का सदुपयोग करें ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को जल के प्रति परेशानियां ना झेलनी पड़े। कहीं पर भी कोई टंकी खली हुई हो या टैंक भरा हुआ हो तो आप उसको तुरंत बंद कर दें। पानी है तो सभी की समस्याओं का समाधान होता रहेगा, अगर पानी की कमी होती रही तो इसके भयंकर परिणाम देखने को मिलेंगे। सिटी वेब इसी तरह लाता रहेगा आपके लिए खास खबरें, बने रहिए अपने प्रिय चैनल के साथ।